हे बडीज, तो कैसे हो आप सब। तो आज की ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लेकर आया हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आज हम कुछ रैंडम चीजों पर पेंटिंग करने वाले हैं। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग। बस फिर मैंने शुरू कर दिया ढूंढना, तो मुझे कुछ यही चीजें मिली। मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं पर पेंट किया जाए। मेरे पास दो गॉगल्स थे, तो एक गॉगल जो एक स्पेक्स था वो तो थोड़ा खराब हो चुका था, बट एक था जो कि एकदम ठीक लग रहा था। तो मैंने तो सबसे पहले जो काम करना है वो है इनको बेस देना, और वो आएगा जैसो से। तो मैंने सबसे पहले इनके ऊपर जैसो अप्लाई कर दिया है, जिससे कि जब मैं कलर करूँगा तो वो एकदम ब्राइट होकर आएंगे एंड बहुत ईजीली हो जाएंगे। तो मैं जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास उन सब के ऊपर एक जैसो का कोट अप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इनका एंड रिजल्ट देखने के लिए। क्या आप एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी तो पता चलेगा ना कि ये एंड में क्या रिजल्ट बनकर आया। तो एक कोट से तो काम नहीं बना, तो इसलिए मैंने दूसरा और दूसरे से तीसरा कोट भी अप्लाई कर दिया। एंड गाइस, पेंटिंग करने में मज़ा तो बहुत आता है, बट ये उतना इजी नहीं होता जितना दिखता है। तो आप जब इसको ट्राई करोगे, जब शायद आपको पता लगेगा कि ये करने में भी बहुत मेहनत होती है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा इस पर पैटर्न्स बनाना। एंड गाइस, इससे पहले कि आप मुझे कमेंट में ये कहें कि ये मैंने कॉपी किया है, मैं पहले ही कबूल कर लेता हूँ कि हाँ, ये मैंने कॉपी ही किया है। बट इसका जो पैटर्न है वो मैंने चेंज किया है। अगर आपको थोड़ा भी अंदाज़ा हो रहा है कि किसकी वीडियो से कॉपी किया गया है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कॉपी मैं क्यों ना करता, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मेरा इसको ट्राई करने का मन किया, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो इसीलिए मैंने इसको कॉपी किया। एंड सिर्फ ये ही नहीं, मैंने इसको भी कॉपी किया है। बिल्कुल सही, ये भी मैंने यूट्यूब पे कहीं वीडियो में ही देखा था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं इस वाले पैटर्न को भी ट्राई करने वाला हूँ। बस इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, जैसों के बाद हमें रेनबो के कलर्स इसमें अप्लाई करने हैं। ज़रूरी नहीं रेनबो के सेम, जो भी आपको कलर अच्छे लगें आप उन्हीं को कैसे भी डिज़ाइन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस फिर आपको ऐसे ही कुछ वेवी डिज़ाइन बनाने के बाद सारे कलर से ये हमारा आर्ट पीस एक और रेडी हो जाएगा। एंड हाँ गाइस, ये जो स्पेक्स बॉक्स है, इसको पेंट करने से पहले मैंने इसके पर्पल वाले एरिया पर टेप लगा दी थी, ताकि वो कलर ख़राब ना हो, क्योंकि वो कलर तो पहले से ही अच्छा लग रहा है, उस पर मैं पेंट करके उसको ख़राब नहीं करना चाहता। बट गाइस, जो मेरा थर्ड आर्ट पीस है वो मैंने कहीं नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये तो अब स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड आर्ट पीस बनाना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जैसो का कोट अप्लाई किया है इसके लेंस पर। इससे हमें दिखने तो कुछ नहीं वाला, लेकिन इससे फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बहुत अच्छी आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसको गर्ल्स तो यूज़ कर ही सकती हैं। तो मैंने इस पर एक हर्ट शेप ड्रॉ करी है पेंसिल से, एंड मैं उसको रेड कलर से कलर कर दूंगा। एंड इसके पूरे हो जाने के बाद मैं इसको एक बॉर्डर दूंगा ब्लैक कलर का, जो कि बहुत ही ऑसम लग रहा है। अरे यार रुको रुको, आपको क्या लग रहा है, मैं इसको ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, अभी देखना क्या मैं इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ करता हूँ, आप बस देखते जाओ, स्किप बिल्कुल मत करना। एंड नाउ इसके कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इस पे वाइट एरिया पे ग्लू अप्लाई करूँगा। ध्यान से, सिर्फ वाइट वाले एरिया पे ही ग्लू अप्लाई करनी है। एंड मैं उसको ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर दूंगा, जिससे कि वो इवनली सारी जगह फैल जाए। तो इसके बाद
मैं इस पे हाफ कटेड बीट्स अप्लाई करूँगा, जिससे कि ये बहुत ही ऑसम दिखने वाला है। एंड गाइस, अगर आपको अभी तक का प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि मैं फ्यूचर में आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार आने वाली हैं। बाय द वे, अब मैं इसमें हाफ कटेड बीट लगाना स्टार्ट करूँगा एंड मैं इसको पूरे वाइट पोर्श एरिया को कवर करूँगा। एंड सी गाइज, ये कितना गजब लग रहा है। मतलब इससे आप देख तो नहीं पाओगे बट इससे फोटोज एंड वीडियोज बहुत गजब के आने वाले हैं। थोड़ा फनी है बट बहुत अच्छा है, और ये डेकोरेटिव के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड लास्ट स्टेप, अब मैं इसमें अप्लाई करूँगा ग्लू। आप कोई भी ग्लू का यूज कर सकते हैं, बस मेरे पास दूसरी ग्लू थोड़ी स्टॉक खत्म हो गया था, इसलिए मैंने इसमें अप्लाई कर रहा हूँ नॉर्मल वाली स्कूल वाली ग्लू, जो कि थोड़ी लिक्विडी होती है। मैंने तो ये रिस्क ले लिया, बट आप ये रिस्क मत लेना। अगर आपके पास थोड़ी अच्छी वाली ग्लू है तो आप उसका यूज़ करके इस पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड वो सूखने के बाद कभी ख़राब भी नहीं होगा एंड उसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। बट मैंने जैसे तैसे इसको कर तो लिया, बट मेरे थोड़े से कलर बिगड़ भी गए थे, बट मैंने उसको सेटल कर दिया। तो इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसको ड्राई करने का टाइम देंगे। एंड ये जो हमने सेकंड पीस बनाया था, इसकी टेप उतारनी तो रह गई, तो हम इसकी टेप भी रिमूव करेंगे एंड हमारे फाइनल रिजल्ट्स देखेंगे सबके। एंड आप इस बॉक्स को अपने स्पेक्स रखने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन आप उसके अलावा भी इसको कई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेकोरेटिव या ज्वेलरी बॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इसको जैसे मर्जी यूज़ कीजिए, लगना तो ये अच्छा ही है। गाइज, आपको ये सारे आइटम कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको एक भी प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना यार, और एक कमेंट में ना हर्ट ज़रूर डाल देना, मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये रहे हमारे फाइनल रिजल्ट्स सारे आर्ट पीस के। तो अब मुलाकात होगी आपसे न्यू वीडियो में, तो वेट ज़रूर करना एंड वीडियो ढूंढनी ना पड़े उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।